नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। गोंडा में हुए रेल हादसे पर आज हम बात करेंगे कि भारतीय रेल डीरेल। उत्तर प्रदेश के गोंडा में गुरुवार को बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के कई डिब्बे बेपटरी हो गए, जिसमें चार लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक ने की, हालांकि घायलों की संख्या में अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। मामले पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को हादसे वाली जगह पर पहुंचने के निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने रेल हादसे की जानकारी ली और अधिकारियों को हादसे स्थल पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। इस बीच रेलवे के आला अफसर घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक कई डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। गोंडा के नज़दीक एक्सप्रेस डीरेल हुई है और बताया जा रहा है कि ट्रेन नंबर 15904 चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के कई डिब्बे गोंडा में पलट गए हैं। गोंडा जिला ही के बीच पिकौरा के पास यह हादसा हुआ है। कितने लोग घायल हैं इसकी कोई जानकारी अभी नहीं है। प्रशासन ने रेस्क्यू टीम गोंडा से रवाना किया है। एसी कोच के चार हादसे का शिकार बताए जा रहे हैं। रेलवे दुर्घटना पर सीएम योगी ने अपने मुख्य सचिव और डीजीपी से बात की। साथ ही सीएम योगी ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के लिए निर्देश जारी कर हैं। सीएम के निर्देश के बाद आसपास के जिलों के सभी अस्पताल सीएससी पीएससी को अलर्ट मोड पर रखा गया है। एसडीआरएफ की टीम को मौके पर पहुंचकर राहत कार्यों में तेजी लाने के लिए भी कहा गया है। रेलवे के मुताबिक चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश के गोंडा के पास दोपहर करीब 2:35 पर पटरी से उतरी है। अब आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से कवच की बात होती है। कवच एक था, हमारे जो रेल मंत्री बता रहे थे कि ट्रेन जहां भी हादसे का शिकार होगी तो कवच काम आएगा, लेकिन ऐसा नहीं। तस्वीरें बता रही हैं कि कवच भाई साहब किसको ज़रूरत है। नई तस्वीरें नहीं हैं, ग्राफिक्स के जरिए या देखिए 10 बड़े हादसे जो अब तक हुए हैं। कानपुर ट्रेन हादसा 20 नवंबर 2016 को कानपुर में इंदौर पटना एक्सप्रेस पटरी से उतरी थी। 150 लोगों की मौत हुई थी। 21 जनवरी 2017 के जगदलपुर भुवनेश्वर हीराखंड एक्सप्रेस के नेहरू स्टेशन पर पटरी से उतरी, 41 लोगों की मौत। 19 अगस्त 2017 को उत्कल एक्सप्रेस यूपी कथौली के पास पटरी से उतरी, 23 लोगों की मौत। 16 अक्टूबर को महाराष्ट्र के करमाड के पास हैदराबाद मुंबई एक्सप्रेस और हुजूर साहिब नाजगर में छत्रपति साहूजी टर्मिनल राजधानी स्पेशल के बीच टक्कर, 16 लोगों की मौत। अलीपुर द्वार ट्रेन हादसा 13 जनवरी 2022 को हुआ था। बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस के 12 डब्बे पटरी से उतरे थे, 9 लोगों की मौत हुई थी, 36 लोग घायल थे। और उड़ीसा की बात, बालसोर मौत है जहां पर 1200 से अधिक लोग घायल हुए थे। बक्सर में 11 अक्टूबर को रघुनाथपुर स्टेशन में नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के डिब्बे उतरे, 4 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा घायल। विजयनगरम ट्रेन हादसे में की बात की जाए तो वहां पर दूसरी तस्वीर आपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। डिब्रूगढ़ के जो हादसा हुआ है ट्रेन हादसा, उसको लेकर हेल्प डेस्क बनाई गई है। वो तस्वीरें थी जो आपको दिखा रहे थे। जलपाईगुड़ी कंचगंगा में हादसा हुआ था और 8 लोगों की मौत हुई थी, 40 लोग घायल हुए थे। तो आप देखिए ना, कानपुर हो 2016, लगभग 8 साल पहले, उसके बाद जितने हादसे हुए, कुनैर 21 जनवरी 2017, जस्ट 2 महीने बाद यह हादसा होता है। फिर 19 अगस्त 2017 कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस कथौली के पास 23 लोगों की मौत, कहीं 150, कहीं 41, कहीं 23, कहीं 16, कहीं 36, कहीं 9। इतनी मौतों का जिम्मेदार कौन है? ड्राइवर के झपकी आ गई, ट्रेन के सामने गाय आ गई। मैं मान सकता हूँ ये सब चीज़ें रहती हैं। हम बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इस देश में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की,
और आज भी अंग्रेजों की बनाई हुई पटरियों पे हम दौड़ रहे हैं, उनके बनाए रूटों पे चल रहे हैं, नए रूट बन रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक बात बता रहा हूँ मैं। ट्रेन एक ऐसी व्यवस्था है जो हमेशा घाटे में दिखाई गई, और कानून इतने कि आप खुद शर्मा जाएं। अभी हाल फिलहाल में एक कानून लागू हुआ कि वेटिंग लिस्ट वाले आप टिकट लेके यात्रा नहीं कर सकते हैं, कोच नहीं बढ़ाए गए। और जो कोच हैं उनको लेकर भी आप स्थिति देखिए पलट गए हैं। अब वहाँ के जो लोग हैं उनको सलाम करना चाहिए कि उन लोगों ने टीम से पहले जाकर देखी किस तरीके से ऊपर वो जो व्यक्ति है शीशे को तोड़ने का काम कर रहा है। तो ये गोंडा के लोगों के लिए पहले तो सबको उनका शुक्रिया करना चाहिए किस तरीके से राहगीरों ने, वहाँ जो स्थानीय थे उन्होंने मदद की है। पीड़ितों ने क्या कुछ कहा और डीएम नेहा शर्मा ने क्या कुछ कहा वो भी सुन लेते हैं। 2:30 बजे के करीब में हादसा हुआ है। हाँ, चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस में, गोंडा से करीब करीब 20 किलोमीटर आगे है ये जी। बता रहे मनकापुर अभी यहाँ से 5 किलोमीटर है। हाँ, और दो बोगियाँ तो एकदम से ऐसे पलट गई हैं। हाँ, एक बोगी ऐसे लगी है, बाकी तो आप देख ही सकते हैं पटरियों की क्या हाल है, पटरियाँ खिसक चुकी हैं। यहाँ पे कैजुअलिटी भी हो सकती है, अभी उसको मालूम नहीं है, लोग अपनी जान बचा करके कैसे कैसे निकल रहे हैं। बचाव के लिए क्या व्यवस्था हुई है बता। अभी तो हम खुद ही निकल के आए हैं, अभी देखा नहीं है शायद, लेकिन शायद एम्बुलेंस वगैरह आ रही है क्या जी? जी ऐसा सुनने में आया। थैंक यू। रेलवे एक्सीडेंट है, डीरेलमेंट हुआ है, और इन इसमें 8 कोचेस जो हैं वो डीरेल हो गए हैं, और अभी तक 4 लोगों की कैजुअलिटी की सूचना है, बाकी सभी को रेस्क्यू किया जा चुका है। हम लोग सारी एम्बुलेंसेज यहां पे उपलब्ध हो गई हैं, और स्थानीय लोगों ने भी बहुत सहयोग किया है। कौन सी ट्रेन थी और कहां से? डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस है ये, जिलाई मोतीगंज LC 248 के पास। इसमें जो घायल हुए हैं उनको उपचार के लिए निकाला जा चुका है। तो डीएम नेहा शर्मा को आप सुन रहे थे। शिवा शर्मा का रुख करेंगे, हमारे साथ संवाददाता लखनऊ से जुड़े हुए हैं। शिवा, अगर बात की जाए जिस तरीके से रेल हादसों को लेकर, हम तमाम हादसों की बात करते हैं लेकिन रेल हादसों को लेकर चर्चाएं कम होती हैं। जब कोई बहुत बड़ी, जैसे बात मान लीजिए 4, 12 डब्बे, 10 डब्बे डीरेल हो गए, हम एक तरफ बात कर रहे हैं बुलेट ट्रेन की, हम बात कर रहे हैं दुनिया में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन की, लेकिन स्थिति तो वही है, वही कवच कहाँ गया? वो कवच जो हम लोगों को एक्सीडेंट से बचाने वाला था, वो कवच कहाँ गया कि जिस तरीके से कि ड्राइवरों को पता चल जाएगा, उनको कमांड आ जाएगी, वो सब सभी वादे चुनाव में या सिर्फ जो एक ब्लूप्रिंट बनाया जाता है उन्हीं में अच्छे लगते हैं क्या इन अधिकारियों को? लगातार रेल मंत्री, जब से रेल मंत्रालय भाई साहब के पास आया है, पूर्व में अधिकारी रहे हैं, ब्यूरोक्रेट रहे हैं, तब से कुछ चीज़ें अच्छी हुई नहीं है उनको। अश्विनी जी के पास में लगता धरातल की जानकारी है नहीं, अधिकारियों से काम करा नहीं रहे हैं, अधिकतर उनके बैच के होंगे या उनके किसी रिश्तेदार के होंगे जिनके बैच में वो IAS रहे हैं, अधिकारी काम कर नहीं रहा है। देखिए विशाल, जो चंडीगढ़ डिब्रू एक्सप्रेस डीरेल हुई है और हादसे का शिकार हुई है, अभी ये हादसा किस वजह से हुआ इसमें कहना बहुत ज़्यादा थोड़ा जल्दबाजी होगी, क्योंकि ये एक प्राइमा फेसी देखी गई है कि जिस इलाके से ट्रेन गुजर रही थी गोंडा के अंदर से, वो इलाका बाढ़ की चपेट में था। जब 2-3 दिन पहले वहाँ पर जो अधिक बरसात हुई थी, बहुत ज़्यादा बरसात हुई थी, उस इलाके में पूरा पानी भरा हुआ था। ऐसे में जो रेलवे के प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो हर पायलट जो ट्रेन के जितने भी ड्राइवर्स होते हैं, लगभग मानसून के समय में उनकी एक पहले मीटिंग होती है, और वो इस बात को बताते हैं कि जो भी गाड़ी उन इलाकों से निकाले जाए जो बाढ़ग्रसित है, जहां पर पटरियां उनकी बिछी हुई है, वहां पर स्पीड थोड़ी स्लो होनी चाहिए थी। तो अब वाकई में उस जो ट्रेन की स्पीड थी, जो मानक थे उसके अनुरूप, वो गाड़ी स्लो चल रही थी उस जगह से निकलते वक्त, ये नहीं, ये जाँच का विषय है। अगर स्लो नहीं चल रही थी तो सीधे सीधे ड्राइवर की लापरवाही है। आपको रोकेंगे, DRM संदीप भाटिया कुछ क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। 15904 चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के कुछ कोचेस डिरेल हुए हैं, इसकी जानकारी अभी हमको मिली है। इसमें ये लखनऊ डिवीजन ऑफ एनिया रेलवे में लोकेटेड है, और प्राइमरी अभी इसका कॉज ऑफ डिरेलमेंट एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, वो जांच का विषय है। जैसा कि आप जानते हैं इसका लोड 22 LHB कोचेस का था, एंड ट्रेन वॉज बैक टू फुल कैपेसिटी। हाँ जी,
फिलहाल क्या कोई हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए? हाँ, हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। चंडीगढ़ में हेल्पलाइन नंबर है 0172-263-9785। अम्बाला में हेल्पलाइन नंबर है 0171-261-0653। लखनऊ जंक्शन में हेल्पलाइन नंबर है 895-740-9292। गोंडा में हेल्पलाइन नंबर है 895-740-0965। उनके लिए हम लोगों ने अम्बाला और चंडीगढ़ में हेल्प डेस्क एस्टेब्लिश किए हैं, जिससे उनको त्वरित जानकारी मिल पाए। थे उन्होंने भी यहाँ हेल्प डेस्क बना ली गई है, और चंडीगढ़ से आप डीआरएम को सुन रहे थे। और इसके साथ ही साथ उन्होंने एक और भी अच्छा काम किया, हेल्प डेस्क बना ली है, लोगों के जो रिजर्वेशन थे चंडीगढ़ को वो भी उस लिस्ट से, लोगों के जो परिवार के लोग आ रहे हैं उनसे वो बात कर रहे हैं। शिवा अपनी बात को पूरा करें। देखिए विशाल, मैं यही बात को कह रहा था कि जो रेलवे प्रशासन है वो लगातार मानसून के अक्सर मौसम से पहले ड्राइवरों को एक आदेश जारी करता है कि जिन इलाके में बाढ़ हो या जो बाढ़ ग्रसित इलाके हों, ज़िले हों, उन जगहों से जब ट्रेन निकालनी हो तो उनकी रफ्तार नियमित रफ्तार से बहुत ज़्यादा कम करके उन जगहों से निकालनी होती है। लेकिन आखिरकार ये जो इलाका था गोंडा ज़िले का, यहाँ से जो ट्रेन निकल रही थी, ये इलाका भी बाढ़ की चपेट में था, और कुछ ही दिनों पहले उस पटरी के आसपास का जो इलाका था वो पूरा पानी से भरा हुआ था। तो संभावना ये भी जताई जा रही है कि हो सकता है कि अधिकतर पानी भरने की वजह से जो पटरियाँ हैं वहाँ की, वो या तो धस गई हों या तो हो सकता है कि ऑफ द ट्रैक हो गई, उसकी वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। लेकिन जो रेलवे प्रशासन की जो टीम है वो इस पूरे मामले की जांच करेगी, क्योंकि हर चीज ऑनलाइन हो गई है। ट्रेन की स्पीड कितनी थी, ट्रेन की जब वहां से निकलने की जो रफ्तार थी वो आखिरकार किस तरीके से थी, जो डिब्बे जो डीरेल हुए हैं रेलगाड़ी के, वो आखिरकार किस वजह से डीरेल हुए हैं, लोगों के बयान भी दर्ज किए जाएंगे। लेकिन इस पूरी बड़ी दुर्घटना में 4 लोगों की विशाल मौत हो चुकी है, 26 से ज्यादा लोग घायल हैं। जब सीएम ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया, सभी अफसरों को निर्देश दिए कि मौके पर पहुंचकर राहत बचाव का कार्य करें, तो खुद डीजीपी ने, खुद मुख्य सचिव ने सभी अफसरों को मौके पर पहुंचने के लिए कहा, चाहे वो पुलिस एनफोर्समेंट हो या जिला प्रशासन की टीम हो। उधर जो एसडीआरएफ की जो टीम होती है, स्टेट डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स, जो एनडीआरएफ के तर्ज पर काम करती है, वो भी जो बाढ़ ग्रसित इलाके हैं वहां पर वो कैंप कर रही थी, उसी टीम को वहां पर भेजा गया जो बलरामपुर जिले से और गोंडा जिले से उस ट्रेन में आकर के लोगों को निकालने का काम कर रही थी। क्योंकि ट्रेन के डिब्बे जब पलटे थे तो कुछ ऐसे लोग थे, जो युवा लोग थे, जो खुद आकर के ट्रेन के डिब्बे का एसी कोच का कांच तोड़ करके बाहर निकल आए, लेकिन कोई बच्चे और जो बुजुर्ग थे वो उस तरीके से नहीं निकल सकते थे। उनकी जो ह्यूमन फेटालिटी कही जाएगी वो इतना ज्यादा चुस्त दुरुस्त नहीं थे कि ट्रेन के डिब्बे पलटने के बाद वो बाहर निकले। इसलिए एसडीआरएफ की जो टीम मौके पर पहुंची, वहां पर उनको निकालने का, बड़े बुजुर्ग को निकालने का एसडीआरएफ की टीम ने काम किया। पुलिस ने उस एरिए को पूरी तरीके से बैरिकेड किया कि जो आसपास के गांव के लोग हैं, जो भीड़ लगाने वाले लोग हैं, उनको उस ट्रेन डिजास्टर जो हुआ है वहां से उनको दूर रखा जाए। खुद डीएम मौके पर पहुंची थी, एसपी गोंडा मौके पर पहुंचे थे, और उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में 4 लोगों की मौत हो गई, लेकिन सभी लोग, जो लोग घायल हैं, जिनको वहां से निकाला जा रहा है, उनको मनकापुर के अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है ताकि वहां पर लोगों का इलाज चल सके। कई इस हादसे में कई लोगों के पैर भी टूटे हैं, हाथ भी टूटे हैं, किसी को गंभीर चोटें आई, तो सभी को धीमे धीमे करके एम्बुलेंस के जरिए या प्राइवेट वाहनों के जरिए उनको वहां से निकाल करके बाहर ले जाया जा रहा है। तीसरी एक बहुत बड़ी बात है विशाल, कि लोगों का जो सबसे कीमती सामान होता है, क्योंकि लंबे सफर का जो समय था वो ये ट्रेन तय कर रही थी, चंडीगढ़ से उसको आसाम जाना था, डिब्रूगढ़ जाना था, तो कई ऐसे भी लोग होंगे जो पंजाब से चंडीगढ़ से चढ़े होंगे, जिनको आसाम जाना होगा, या लखनऊ से कुछ लोग चढ़े होंगे, उनको दूर तक जाना होगा, तो लोगों का कीमती सामान होता है, तो कीमती सामान को किस तरीके सेफली उस क्षतिग्रस्त ट्रेन के डिब्बों से निकाल करके उनके मालिकों को सौंपना है, इसका भी काम चल रहा है। तो एसडीआरएफ की टीम और जो पुलिस की टीम है वो ज्वाइंट ऑपरेशन बना करके पूरे डिब्बे जो है, जो पलटे हुए डिब्बे, जो डीरेल हुए हैं, उनके अंदर आदमी, औरत, बच्चे और बुजुर्गों के साथ उनको निकालने के साथ साथ उनके सामानों को सुरक्षित निकालने का वो काम कर रही है, और मौके पर बड़े सभी अफसर जो है वो बने हुए हैं। लखनऊ चूंकि राजधानी है, लखनऊ से सभी पुलिस अफसर, सभी भी प्रशासनिक अफसर इस बात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कितनी जल्दी उस रूट को साफ किया जाए, क्योंकि उस रूट के बाधित होने के बाद से लगभग तकरीबन 10 से ज़्यादा जो ट्रेनें हैं वो बाधित हो चुकी हैं, वो ट्रेन जो है उस इलाके से निकल नहीं सकती, क्योंकि 3 ट्रैक हैं उस रास्ते पर। मैं आपको रोकूंगा शिवा, एक आधिकारिक बाइट है इस मामले पे गोरखपुर से, वो सुन लेते हैं। और वहाँ पर
सूचना मिलते ही जो रेलवे की मेडिकल वैन होती है पीआरए में वो साइड पर पहुंच गई है और सबसे पहला जो किनारे रेस्क्यू ऑपरेशन तुरंत शुरू किया गया। घायल हुए हैं, जो अभी सूचना हम लोगों के पास है उसमें 7 लोग घायल हैं जिसमें से 6 लोगों को माइनर इंजरी है यानी कि कम चोटें लगी हैं और 2 डेथ की भी सूचना है और सभी को उपचार दिया जा रहा है। वहाँ पर हमारे डॉक्टर्स मेडिकल टीम सभी लोग हैं, जिला प्रशासन से भी सहयोग मिल रहा है। हम लोगों की पहली प्रायोरिटी है कि जल्दी से जल्दी रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया जाए जिससे कि ट्रेनों का संचालन फिर से शुरू हो पाए। आपके हिसाब से कितनी अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है 2 कैजुअल्टी हैं और 7 इंजरी हैं जिसमें से 6 माइनर इंजरी हैं यानी कि छोटी मोटी चोटें लगी हुई हैं। घायलों को उपचार दिया जा रहा है वहाँ पे, रेलवे की मेडिकल वैन साइट पर पहुँच गई है, रेलवे के डॉक्टर मेडिकल इक्विपमेंट सभी चीज़ें साइट पर पहुँच गई हैं। हेल्पलाइन नंबर भी हम लोगों ने इस्टेब्लिश कर दिया है और जो यात्री इस ट्रेन में हैं उन यात्रियों को लाने के लिए एक रेक फॉर्म की जा रही है, स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी जिससे वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकें। वहां से साइड से उनको बाई बस मनकापुर में ले जाया जाएगा, वहां से स्पेशल ट्रेन के माध्यम से उनको प्रथम डिस्ट्रिक्ट क्या लग रहा है, कैसे ही मामला हुआ है। अभी रेल हमारी पूरी जो कोशिश है वो ये है कि जल्दी से जल्दी रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया जाए और उसके बाद से जो ट्रैक है उसके रेस्टोरेशन का कार्य किया जाए। हमारी जो टीमें रेलवे की वो पहुंच गई हैं, बहुत ही जल्द मंडल रेल प्रबंधक और महाप्रबंधक भी साइट पर पहुंच जाए। इससे निकलते ही हादसा हुआ है, ट्रैक पूरा सूखा हुआ, क्या मतलब लग रहा है, क्या प्रथम दृष्टि क्या लग रहा है मामला, क्या जुलाई के बीच में ये डेवलपमेंट हुआ है और अभी जैसा कि मैंने बताया कि अभी जो हम लोगों के पास इन्फॉर्मेशन है और जो हमारी प्राथमिकता है वो ये है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए और जो रेस्टोरेशन का कार्य है वो शुरू किया जाए और जो यात्री वहाँ पे फंसे हुए हैं उनको स्पेशल ट्रेन के माध्यम से उनके गंतव्य स्थान तक ले जाया जाए और उसके लिए हम लोग सभी प्रकार के प्रयास कर रहे हैं। और भी कैजुअल्टी की संभावना है, आगे लग रहा है कि कुछ और भी डेथ हुई होगी, जो सिचुएशन है आपको आपके सामने एकदम साफ साफ रख दी गई है। तो यहाँ पर आप सुन रहे थे अधिकारी को, और अगर बात की जाए तो जिस तरीके से राजमंगल सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहाँ से वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ फ़ोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। राजमंगल जी, हाल ही की स्थिति क्या है और वहाँ पर जो बात की जाए जिस तरीके से जो अधिकारी अब पहुँचना शुरू हो गए हैं, राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह भी पहुँचे, केंद्रीय राज्य मंत्री, उन्होंने वहाँ अधिकारियों से बात की है। बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं स्पॉट पर मौके पर हूँ और यहाँ पर देखने में जो लिखा है पीछे से 4 डिब्बे जो है वो पटरी से उतरे हैं, पलटे हुए हैं। फिलहाल 12 डिब्बे टोटल जो है पटरी से नीचे उतरे हैं लेकिन 4 डिब्बे क्षतिग्रस्त हुए हैं जिसमें से अभी तक 12 लोग जो है वो घायल हैं और वहीं पर 2 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है। फिलहाल यहाँ पे जो यात्री थे उन यात्री को सकुशल निकाल के और जिला प्रशासन ने रोडवेज प्राइवेट बस के माध्यम से उनको उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचाने के लिए भेज दिया है। यहाँ पर अगर बात किया जाए तो जिला प्रशासन की पूरी टीम लगी हुई है, रेलवे डिपार्टमेंट की, आरपीएफ की, जीआरपी की, ये सारी टीमें लगी हुई है और किसी भी प्रकार की अब यहाँ पे कोई हादसा होने की कोई संभावना नहीं है। बिल्कुल, अगर राजमंगल जी बात की जाए तो ये हादसे की वजह क्या है? देखिए, जिस तरह से यह हादसा हुआ है अभी यहाँ रेलवे डिपार्टमेंट की टेक्निकल टीम लगी हुई है मौके पर और यहाँ पे अभी ये कह पाना बिल्कुल मुश्किल है कि किस कारण से हादसा हुआ है। अभी घायलों की स्थिति क्या है, कितने लोग घायल बताए जा रहे हैं, क्या कैजुअल्टी कुछ बढ़ी है? लगभग दर्जन लोग घायल होने की जो सूचना मिली है उनको तो जिला प्रशासन ने यहाँ से सकुशल भेज दिया है और जिला हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। नजदीकी सीएचसी में कुछ लोगों को किया गया है। फिलहाल 2 लोगों की मात्र मौत होने की पुष्टि की गई है। जी बिल्कुल, तो बने रहिए आप हमारे साथ, शिवा के पास चलेंगे। शिवा, उससे पहले इसी तस्वीर आप देख लें, एसडीआरएफ की टीम वहां पहुंच चुकी है और लगातार रेस्क्यू कर रही है। शिवा, अगर बात करें तो हम जिस तरीके से रेलवे को लेकर अभी आप जैसे किस कहते हैं अभी इस पर हादसे को लेकर कुछ करें तो जांच का विषय है कि किस वजह से यह हादसा हुआ, लेकिन आपको लगता हाल फिलहाल में जिस तरीके से हादसे बढ़े हैं रेलवे उसके लिए सचेत नहीं हुआ है? हर बार 2, 4, 10, 12, 20 जाने जा ही रही हैं। देखिए, बिल्कुल ये सोचने वाली बात होती है विशाल की, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर या देश के अंदर कहीं पर भी रेल हादसे होते हैं तो
तो उन हादसों से सीख आकर क्या लेते हैं अफसर और उसको सुधार उसमें क्या करते हैं? और हर बार हम देखते हैं कि रेल जो है वो पटरी से डीरेल हो जाती है, उसमें कई लोगों की मौत हो जाती है, कई लोग घायल हो जाते हैं, मुख्यमंत्री का बयान आता है, लोगों को राहत राशि दी जाती है, उनका उपचार करा जाता है, लेकिन ये हादसे कम नहीं होते हैं। और यही शायद वजह है कि अफसरों की जो जो मॉनिटरिंग लेवल है वो शायद कम है, वो लगातार जो निरीक्षण है वो शायद नहीं करते हैं। कुछ जो फोटोग्राफीज हम देखते हैं सोशल मीडिया पर वो फोटोग्राफी तक ही सीमित हो गई है। असल में लाइन पर ट्रैक पर जाना, स्टेशंस पर जाना, गाड़ियों को क्रॉस चेक करना कि आखिरकार गाड़ी के इंजन्स कैसे हैं, जो उसको पायलट चला रहे हैं आखिरकार उनकी मानसिक स्थिति क्या है, फिजिकल फिटनेस है या नहीं है, ये रेलवे विभाग में थोड़ा परेशानी का सबब होता है, जिसकी भेंट जो है वो यात्री चढ़ जाते हैं। और आज भी इस घटना में शायद यही हुआ है कि शायद किसी की लापरवाही रही होगी। अब किसकी रही होगी ये तो जांच के बाद ही पता लगेगा, लेकिन किसी की लापरवाही से चार जाने चले गई हैं और कई लोग जख्मी हो गए हैं जो अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। अब रेलवे प्रशासन लापरवाही में किसी का नाम तो नहीं ले रहा है, लेकिन ये जरूर कह रहा है कि हम इसकी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन कराएंगे और जो भी इस पूरे मामले में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लखनऊ से भी जो एक टीम है वो रवाना हो गई है, खुद मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है, तो DMSP भी मौके पर पहुंच गए, नेहा शर्मा है, विनीत जायसवाल हैं जो जिले के पुलिस अधीक्षक हैं, SP हैं, वो उस एरिए को बैरिकेड करके सारी चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो रेलवे प्रशासन की जो फॉरेंसिक टीम होती है वो भी वहाँ पर पहुँच गई ताकि एक एक चीज़ों के जो साक्ष्य हैं उनको कलेक्ट किया जाए, उनको लिया जाए, ताकि जब इन्वेस्टिगेशन का टाइम आएगा तो उन साक्ष्यों को वहाँ पर पेश करना होगा। तो ज़रूर कहीं ना कहीं किसी ना किसी की लापरवाही ज़रूर विशाल देखी जाएगी आने वाले समय में, जिसकी वजह से ये पूरा रेल हादसा हुआ है। तो उस बात का इंतज़ार करना होगा, उस वक्त का इंतज़ार करना होगा कि आखिरकार किसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है जिसमें चार लोगों की जानें चली गई हैं। बिल्कुल, एक बार मैं फिर से वो ग्राफिक्स के जरिए दर्शकों को दिखा दूँ कि अब तक मैं फुल स्क्रीन ग्राफिक्स को ले लिया जाए कि 10 बड़े बड़े हादसे जो हुए हैं अब तक। कानपुर में इंदौर राजेंद्र पटना एक्सप्रेस थी जहाँ पर 20 नवम्बर 2016 को 150 लोगों की जान गई थी। 21 जनवरी जगदलपुर भुवनेश्वर हीरापट्टी में ये हादसा हुआ था जहाँ पर 41 लोगों की जान गई थी। 19 अगस्त को कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस यूपी कथौली के पास पटरी से उतरी, 23 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में 16 अक्टूबर 2020 को महाराष्ट्र के करमाट के पास हैदराबाद मुंबई एक्सप्रेस राजधानी बीच टक्कर होती है और 16 लोगों की मौत हो जाती है। 13 जनवरी 2022 के बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस पर 12 डब्बे पटरी से उतर गए थे, 9 लोगों की मौत। 2 जून 2023 को 296 लोगों की मृत्यु हुई थी। ग्यारह अक्टूबर को बक्सर में नॉर्थ ईस्ट के डब्बे पर लटते हैं, 4 लोगों की मौत होती है। 3 तरीकों के हादसे से मुझे लगता है शिवा अभी रेलवे को और अपग्रेड होने की ज़रूरत है, बहुत माइक्रो लेवल पर, कि अभी भी अगर हमारे डीरेल हो रही हैं डब्बे और हर बार ऐसे ही लगभग, मैं जोड़ रहा था लगभग 700-800 मौतें हैं जो ये 8-10 सालों में, ये तो एक रूखा रूखा सरकारी आंकड़ा है लेकिन मौतें तो बहुत हैं। तो मुझे लगता है इन सबसे अभी रेलवे को अपने आप को अपडेट करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात जो आपने कही ना कि लोको पायलट्स की फिटनेस को लेकर ये फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं या क्या हो रहा है, इनके पर कितना प्रेशर है, इस तरह भी ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शिवा तमाम जानकारी के लिए आपका। तो हम बात कर रहे थे भारतीय रेल डीरेल, कोई नया मामला नहीं है, लेकिन इस तरह सुरक्षित रेल यात्रा का वादा वहाँ हम अभी भी रेल अपनी स्थान पहुँचने के बजाय कहीं और ही जाना पड़ रहा है। माइक्रो लेवल पर जो एक एक अधिकारी या सबसे एक बार बात कर ली जाए कि भाई ये हो क्यों रहा है, और वो सबसे बड़ी बात वो कवच कहाँ गया, उस कवच को लेकर लोगों से बात होनी चाहिए, उन अधिकारियों से बात होनी चाहिए जिन्होंने ये प्लान बनाया था, वरना ऐसे कवच को क्या फ़ायदा जो कभी 4 तो कभी 150 तो कभी 296 मौतों का जिम्मेदार बन जाए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।